चिट्टा चोला और अच्छे बैठा चले चले तुझे खा देते हो। मैंने अम्मा की और अब्बे की ना मिन्नत की, मैंने कहा बह जाओ अल्लाह दा ना। एक ये बंदा आप लोग हमारे साथ नया भी देख रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदाका सियार एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूं। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। अच्छा जी, तो ये सामने अम्मा जी और अब्बा जी बैठे हैं, तो आज क्या प्लानिंग चल रही है जी? हमेशा की तरह आप लोग कोई ना कोई प्लानिंग ही करते रहते हो बैठ के, वेले लोग हो आप लोग। हाँ जी, तो ये जगह जो है अब्बा जी ने नई जगह ढूंढ ली है। ये पीछे दरख्त लगे हुए, इनकी छांव है। इधर माशाल्लाह बहुत ही मजे का माहौल बना हुआ है और इधर घास भी है। इसकी आज हम लोगों ने कुछ कटाई की है लेकिन सही तरह नहीं हुई। इसको हम लोगों ने सही तरह इसलिए नहीं कटाई किया क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर वहाँ से मिट्टी उठा के ऊपर डालनी है ताकि उसके बराबर हो जाए और उसके बाद नीचे से जो घास है ना वो ऊपर निकल सके। छोटा हो गया तो फिर वो बिल्कुल दब जाएगा। वो सामने ऊंची जगह है ना वो वाले, तो पानी सारा इधर जमा हो गया था, वो छत से भी पानी नीचे उतरता है तो वो भी इधर ही आ जाता है। इस घास वाले लान को उस सामने वाली जगह के बराबर अब करना बहुत ज़रूरी हो चुका है क्योंकि अब जो है बारिशों का मौसम शुरू हो चुका है, क्योंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में अक्सर बारिश होती रहती है। बारिश हो गई तो सामने जो है ऊंची जगह है और यहाँ जो है ये गड़ा टाइप बन गया। अब इस दफ़ा भी जब बारिश हुई है तो यहाँ पर काफ़ी हद तक पानी जमा हो गया था तो इसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया था। यहाँ से हम लोगों ने एक नाली बनाई थी और उस नाली के ज़रिए हम लोगों ने पानी निकाला। अभी तो उसको फिर दोबारा फिल कर दिया हम लोगों ने। अब मैंने ना शावेज़ के लिए कुछ कपड़े सिलवाए हैं और अब्बा जी के लिए जो मैं कपड़े लेके आया था वो भी सिलाई होके आ गए हैं। तो अम्मा जी कहती हैं कि हम अपने व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं कि कैसे हम लोगों ने कपड़े सिलवाए हैं, तो दिखाएं अम्मा जी अपना शौक पूरा करें जी। हाँ जी, हाँ जी, वाह वाह, उसने इसीलिए ना ये बटन जो है ना बड़े रंग बिरंगे लगाए। नहीं तो अब्बा जी ने ये एक्सेप्ट कर लिए कि मैं पहन लूंगा? हाँ, नहीं कबूल कर लिया। अच्छा अच्छा, आपको समझ कैसे आ गई कि मैंने मैंने वर्ड बोला था एक्सेप्ट, आपने कहा ठीक नहीं कबूल कर ले। अच्छा, अम्मा को इंग्लिश की फुल समझ आने लग गई है। और हम सुन सुन कर ने किस सवारी कर गए हैं मंगाल की जैसा है तो तभी ये पास हो बने मह क्यों है आखिर तेरे पुत्र पढ़े हो हैं पुत्र ना अंगल ना करे नहीं मालूम है तू ही पढ़ी हुई। ये जो कपड़े आज अब्बा जी के लिए सिलाई होके आए हैं ये पहली दफा हम लोगों ने बाहर से सिलाई करवाए, नहीं तो वो अम्मा के हाथ के कपड़े ही सिले हुए पहनते हैं। तो इस दफा पता नहीं उन्होंने कैसे ये एक्सेप्ट कर लिए हैं, आई डोंट नो। पहले अम्मा सिलाई करती थी तो अच्छे कपड़े होते थे, अब जो अम्मा सिलाई करती है ना तो सिलाइयां भी सीधी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। हाँ, तो इसलिए मैंने इस दफा कहा कि बाहर से सिलवाएं ताकि अच्छे कपड़े सिलें। हाँ जी, ये भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा सूट है, सोना सूट है। ये मेरा सूट जो सिलाई करवाया था उसके साथ वाला कपड़ा है ना? हाँ, ये साथ वाला, ये यानी माशाल्लाह छोटा सा बड़ा प्यारा सूट है। हाँ, सोना सूट है। हाँ जी, और ये बटन भी बड़े प्यारे लगाए हैं। हाँ जी, ये सूट चिट्टा चिट्टा चोला कढ़ाई भी की हुई है, ये देखिए मैं क्लोज करके दिखाता हूँ, माशाल्लाह काफी प्यारी कढ़ाई की हुई है। तो ये अम्मा जो एक सूट है दर्जन ने कितने का सिलाई करके दिया है? एक सूट कढ़ाई भी सिलाई भी 300 है। हाँ जी, ये भी बड़ा प्यारा है, ये भी 300। तो कपड़ा हम लोगों ने खुद लेके दिया था और सिलाई जो है माशाल्लाह काफ़ी प्यारे हुए हुए हैं, तो सिलाई जो इसकी टोटल बनती है वो 300 रुपया बनती है एक सूट की। एक सूट पूरे? हाँ जी, छोटे काम में से माशाल्लाह बड़ा हो गया। अब सूट कितना बड़ा लग रहा है इस बार, इस पर लाते सिवाते रख लिया
क्या बात है, एडवांस में हो रहा सब कुछ। चलें जी, माशाल्लाह बहुत प्यारे सूट हैं, और ख़ास तौर पे मुझे ना आज अब्बा जी का कुर्ता बहुत पसंद आया है। अच्छा। क्योंकि पहली बार एक तो बाहर से सिलाई करवाए हैं, और ऊपर से ना ये बटन बड़े खूबसूरत लगाए हैं। इस दफा ना अब्बा जी को लड़का बना देना है आपने। मुझे नहाना है। हाँ, पहले आज वैसे सारा दिन ठंड रही है तो नहाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो आप लोग देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे खड़े हैं, कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। तो प्लानिंग में आप लोगों को बता देता हूँ कि ये हम लोगों ने नलके के सामने बनाना है हौज़, क्योंकि इसके सामने हौज़ नहीं है, और जो पानी है वो इधर उधर हो जाता है, कुछ वो उधर एरों की तरफ बह जाता है। एक ये बंदा आप लोग हमारे साथ नया भी देख रहे होंगे, तो ये समझे कि हमारा एक नया फैमिली मेम्बर है। तो आप लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवा दें फैमिली मेम्बर के बारे में। वो इस तरह है कि ये जो लड़का है ना, ये हमारे वसेब का ही है, तो वैसे भाई है हमारा, एक फैमिली मेंबर है। हाँ, तो दूसरी बात है ये मेरे साथ काम करता है चक्की। हाँ जी, तो भाई की हेल्प के लिए ये चक्की और दुकान पे आया, हमारे साथ अब रहते हैं, तो अब हमारे फैमिली मेंबर ही हुए। ऐसे ही ना? ऐसे ही हुआ। बिल्कुल, आप हमारे फैमिली मेंबर हैं जनाब, फैमिली मेंबर्स की तरह रहना है। कोई टेंशन की बात हो तो बताना है। टेंशन की तो बात नहीं है, लेकिन आपने हमें इधर क्यों बुलाया ये बताओ ना, हमने दुकान पे जाना तो है। मुझे ना एक थोड़ी सी हेल्प चाहिए। ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, ये जो है ना इसके सामने हौज बनाना है। अम्मा कहती है कि ये काम करके दो, तो मैंने इसलिए आप लोगों को नजर आते हैं दोनों। मैंने आप लोगों को तो नहीं कहा, मैंने अपने नए फैमिली मेंबर भाई को बोला कि मेरे साथ हेल्प करवा दो। तो अभी मैं आप लोगों को शायद नाम बताना भूल गया हूँ, तो भाई का नाम है असद। थोड़ा सा खुद बता दें क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद असद। हाँ, तो अभी जी आपने मेरी करनी है हेल्प, ये वाला इसके सामने हौज बनाना है, और छोटी सी इसके आगे ना नाली बनानी है, ताकि पानी जो है ना वो उस तरफ जाए, वो जहाँ गड़ा बना हुआ है ना वहाँ पे। अम्मा और अब्बा को तो सुकून आता ही नहीं, मैंने जब से देखा है ना। एक तो मोटा नहीं हूं। मैंने अम्मा की और अब्बे की ना मिन्नत की, मैंने कहा बह जाओ अल्लाह दा ना इन्हें बह जाओ नहीं बैठ दे। हां, मां मकसद ये है कि बाहर रहिए तो सी कमजोर हो वैसा, और तो सी टूटते फिरते बने तो तकड़े बने। हां, ये बात तो, अगर चलते फिरते रहे ना तो जोड़ हरकत करते हैं और बंदा एक्टिव रहता है। अगर एक जगह बैठ जाएंगे ना, जोड़ जब हरकत ही नहीं करेंगे तो वो जैम हो जाएंगे। तो जैम हो जाओ, चल आराम ना, आराम ना। अच्छा, नहीं बिस्मिल्लाह, चलो भाई जोर आजमाई हो जाए, केले केले उठाना। हां, अमित ही को लिया करो ना भाई, अमित कोनी लंग ऐसा ये भी कभी हमारे व्यूअर्स को बताया है कि जो हमारे इलाके का पानी किस तरह का है? हा? पानी हमारे इलाके का माशाल्लाह बहुत अच्छा पानी है, कि अगर हम फिल्टर के बगैर भी पानी पिए तो ठीक है, हमने फिर भी एहतियातन फिल्टर लगाया हुआ है, ताकि पानी में अगर कोई कमी है तो वो पूरी हो जाए। अच्छा, तुम्हें आए कितने दिन हो गए हैं यहाँ पे? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए हैं जी। भाई क्यों यहाँ पे आया? 10 दिन हो गए हैं, पहले हम लोगों ने आपसे इसका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, तो आज हम लोग आप लोगों से इसका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। असद भाई जो हैं हमारे फैमिली में एक नए मेंबर आ चुके हैं, तो ये अब हमारे साथ रहते हैं, यहीं पर काम करते हैं, यहीं पर खाना खाते हैं, सब कुछ इनका यहीं पर ही है। मैंने अभी ईंटें उठा उठा के दी हैं इन लोगों को, मेरा ना सांस फूल गया अब। ओके, जी तो ये हमारा खाड़ा जो है तैयार हो गया है। हाँ जी, खाड़ा जो तैयार हो गया है, ये नाली भी बना दी है। हाँ जी, नाली ये ऐसे ही नाली बनानी है? हाँ, इसमें थोड़ी बजरी और सीमेंट मिक्स करके डाल देंगे, नाली बना देंगे। यार आरसी बनाना ना, बस ना पानी को ना रोकना है कि साइडों से ना जाए, बस सीधा जाए। ये जो है छोटी सी नाली बन चुकी है इसमें, और ये सीधा ऐसे ही जाते 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 वहाँ पे जाएगा, ये जो गढ़ा है इस जगह पे। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इसी के साथ नेक्स्ट आने वाले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।